There you go. अपनी शक्ल दिखा दो, मैं गुलाबी हो गई हूँ. I'm good. How are you? Oh God. It takes 6 months to be in some environment, and you know. Listen to the accent, okay? Accent again. Alhamdulillah, make it after having to see you. Thank you. वो अमेरिका गई थी और ना अनस भाई ना वो जिमनास्टिक के लिए ना कहीं गए थे दुबई. आपने वहाँ पे क्या किया अमेरिका में? मैंने वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें की. बहुत सारी, अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं वहाँ पे स्कूल भी जाती थी, स्पोर्ट्स भी करती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर भी करती थी, और बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने. अभी आपने जब आप USA गई तो आपने अपनी फैमिली को मिस किया बैक देयर? वहाँ पे मिस किया, बट मेरे पास वहाँ पे एक दूसरी फैमिली भी थी और वो भी मुझे इतना प्यार करते थे. और लाइक मैं वहाँ पे एक साल के लिए थी सिर्फ, तो मैंने मिस किया. बट मेरा वहाँ पे मिशन था ना जाने का, मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी, तो मैं हर वक्त मिस नहीं कर सकती थी अपनी फैमिली को. मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा मिस किया कभी कभार, मगर मैंने बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया. मैंने वहाँ पे चीज़ें मिस नहीं की उस वजह से, सो थोड़ा सा मिस किया. बताना है, मैं जब आप लोगों की जितनी थी ना, आप लोगों से भी छोटी छोटी, तब मैं माँ के साथ थी. जैसे आप लोगों भी आते हैं ना, जब वो आती है तो उनको हक करना होता है आपने, मैं भी ऐसे ही आती थी, दूर से भाग भाग कर माँ को हक करती थी. और मैंने, माँ ने मुझ में कोई चीज़ देखी, उन्होंने मुझ में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, हर चीज़ इन्वेस्ट की. तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, अपनी अम्मी और माँ के सपोर्ट, मेरी फैमिली के सपोर्ट और किरण की सपोर्ट की वजह से हूँ. लेकिन मेहनत मैंने भी की थी, तो आप लोगों ने भी गिव अप नहीं करना है, आप लोगों ने भी मेहनत करते रहना है. ऐसे बहुत से टाइम भी आएंगे जब आप लोग कहेंगे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा मुझे, मैं क्या करूं. बट मिलेगा रिजल्ट स्लोली. वो होते हैं ना कि कभी सब्र का फल मीठा होता है, ये सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र करना पड़ता है तभी फल मीठा होता है, और मेहनत भी करनी पड़ती है. तो बस आप लोग दिल लगा के मेहनत करें, जो भी आपका पैशन है, ज़रूरी नहीं वो खाली एकेडमिक्स हो या स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका पैशन हो, जिसमें आपको मजा आता हो. थैंक यू. सिग्नल करिए, एक तोड़ने की, अगर कोई गाड़ी सिग्नल तोड़ती है, $500 विच इज लाइक ओवर 1.5 लाख. और वो ऐसा भी नहीं होता, वो आपके घर में आप तस्वीर भेजते हैं आपकी कार की कि आपने ये सिग्नल तोड़ा था. और वहाँ पे जानवरों को, वहाँ पे आपको स्ट्रे एनिमल्स नहीं देखेंगे, सारे उनके अपने पेट्स होते हैं और उन्हें वो डरते नहीं है. हमारे यहाँ पे तो हम यहाँ पे भी हर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ पे कभी कभार परिंदे हम पास जाते तो वो डर के उड़ जाते हैं. क्यों डरते हैं? बहुत से परिंदों के नेचर में इंसानों से डरना होता ही नहीं है, उनका नेचर ही नहीं होता डरना. वहाँ पे आप परिंदों के पास जाएंगे ना, वो आपके हाथ पर आके बैठेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, उन्हें पता है कि आप उन्हें पिंजरे में नहीं बंद करने वाले. मेरे घर के बाहर ना कोई, लाइक मैंने बहुत तरीके के कलर्स के परिंदे देखे, ऐसे ऐसे परिंदे जो मैंने कभी नहीं देखे थे. और वहाँ पे दरख्त, हरियाली, नेचर, इट्स फुल ऑफ नेचर, इट्स लाइक एनरिच्ड विद ऑल द ग्रीनरी एंड इट्स लाइक द फ्रेश एयर एंड ऑल दैट स्टफ. इट्स लाइक यू कैन गो आउट फॉर अ वॉक एंड इट्स वेरी रिलैक्सिंग. सो हमें, अब हमें भी तो वो चीज़ चाहिए ना, हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे वैसा बनाने की. वैसे एग्जैक्ट नहीं हम हो सकते, उससे और अच्छा बना ले, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बना ले, लेकिन अगर हम अपने घर में पौधा उगाने लग जाएं, हमारे पास भी परिंदे आ सकते हैं. थैंक यू. आई वॉज क्राइंग जब आई, शुरू के 2 दिन बहुत रो रही थी, नहीं रहना था, वापस जाना था. लाइक द मोमेंट आई स्टेप हियर, इट वॉज लाइक एयरपोर्ट पे मेरा सूटकेस टूट गया था आते के साथ ही. एंड जब मैं जब घर जा रही थी हायर ऑफ के अंदर, मैंने देखा द ड्राइविंग एंड स्कूटर्स एंड हाउ पीपल वर ड्राइविंग एंड ऑल दैट स्टफ एंड आई सॉ अ डॉग विद ब्लड.
सो आई वॉज लाइक या आई हैव टू एडजस्ट, इट्स गोना बी वेरी वेरी हार्ड, आई न्यू दैट एंड इट्स हार्डर देन आई थॉट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल एंड वी कैन ट्राई टू चेंज इट, राइट, वी कैन ट्राई टू चेंज इट, बट इट्स स्टिल हार्ड फॉर मी बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी न्यू, इट्स नॉट न्यू बट इट्स लाइक आई हैव टू अडैप्ट इट नाउ. सो एज अ यूथ वी हैव टू वर्क टुगेदर टू चेंज आवर कंट्री, बट अगर इंशाल्लाह आप लोग जब वहाँ पे जाएंगे ना, आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस चीज़ के बारे में एक्चुअली बात कर रही हूँ. वो एक फीलिंग ही डिफरेंट है, लाइक आई वॉज रियली क्राइंग व्हेन आई केम, बट जब मैं घर में घुसी लाइट नहीं थी, नहाना था पानी नहीं था, सो लाइक फिर पैकिंग वगैरह करनी थी, सूटकेस टूटा हुआ था, गाड़ियों में इतने खड्डे वगैरह थे, वो सारा सरवाइव करके आई थी, फिर 5 माले चढ़ने थे, फिर लाइट आई, 1 घंटे बाद फिर से चली गई, सोना भी था, जेट लैग थी मैं, पूरी रात जागी, पूरी रात रोई हूँ मैं, फिर सुबह सोई और जब जैसे ही सोई 1 घंटे बाद वापस से लाइट चली गई, तो आई एम फीलिंग कंपैशनेटेड टू डू समथिंग, इट्स not good but it's like compassionate to do something to make it a better place, so yes, it's yeah, it's very different. Inshallah, it's not confirmed yet but I'm trying to go to Aga Khan and I want to pursue computer science now, and inshallah my future plans I'll see inshallah. Both countries are not good, not bad. They are just different. कोई किसी से बेहतर नहीं होता, हम उनसे अलग नहीं है, वो हमसे अलग नहीं है, हम खाली मुख्तलिफ हैं, और मुख्तलिफ होना गलत बात नहीं है, मगर हाँ अगर हम किसी और में कोई अच्छी चीज़ देखते हैं और हमें पता है कि हमें एक बुरी आदत है तो हमें उसकी ओनरशिप लेनी है, हमें कहना है कि हाँ मुझ में ये गलत आदत है और मैं इसको बेहतर कर सकती हूँ. तो ये होती है जब मैच्योरिटी जिसको कहते हैं हम, कि आप मैच्योर हो गए, वो तब होता है जब आप अपनी गलतियों को मानने लगें, उसकी ओनरशिप लेने लगें. सो वहाँ पे भी हर कोई अच्छा नहीं होता, यहाँ पे भी हर कोई अच्छा नहीं होता, मगर अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं ना. वो मुल्क अच्छे लोगों का नहीं है, ये मुल्क बुरे लोगों का नहीं है, लोग हर जगह मुख्तलिफ होते हैं, उनकी पर्सनालिटीज़ होती हैं, लेकिन हाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ, एंड हमें चाहिए कि हम अपने लॉज को और स्ट्रॉन्ग बनाएं और उन पर इम्प्लीमेंट करें. एक्चुअली अभी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान, सो डिफरेंट, द बिगेस्ट डिफरेंट आई विल से इज द एनवायरनमेंट. आई फेल्ट सो मच सेफर देयर देन आई एम फीलिंग हियर. It's like very awful to say that it's my home country, but I don't feel as safe as I did there. So, but yeah, again, we can change it. It's not a permanent thing. We can change it. Okay, thank you. Good question.